हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। मैं बहुत बढ़िया, सेक्सी कंचा पीस एक नंबर। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करनी थी। मतलब दुख की बात है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। बताई देता हूँ, खुशी यार चैनल पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी अब। उससे घर वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया इस बात को लेके कि भाई इस तरह के प्रैंक हो रहे हैं तेरे साथ, और पोस्ट पैसी कमेंट्स आ रही हैं जो भी आ रही हैं। लाइक तुम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बट इस तरह की कमेंट क्यों कर रहे हैं लोग। बट मैंने बहुत कोशिश की, खुशी को समझाया, खुशी तो समझ गई थी, बट उसे घर वाले नहीं समझ रहे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट। और जैसे भी होता है वैसे कंटिन्यू करते हैं, बट मैंने ये सोचा कि अपने चैनल के थ्रू ही सबको बताऊं कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। भाई तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो बेशक खुशी से पूछ लो, बता दिए एक बार। तो भाई स्वागत करते हैं खुशी मलिक का। वाह, बहुत ही पसंदीदा लड़की। कैसे है YouTube की? भाई मजाक कर रहा था, एक छोटा सा प्रैंक तुम्हारे साथ हो गया, सॉरी। थोड़ा ज्यादा करने की सोच करता ना, पिटने का नाम ही है। मैं पिटने का नहीं भाई, प्रैंक, मैं रियल प्रैंक कर रहा हूँ। तो पिट भी तो रियल में ही रहा है। भाई बहुत खेच का थप्पड़ मारे है इसमें, हरियाणा वाला वो है जोश, एक थप्पड़ में हिला सके किसी के मुंह में, मेरा हिला देती है एक बार यहाँ से हिला देती। एक्सपीरियंस्ड इंसान तो थप्पड़ मैं खाऊंगा तो एक्सपीरियंस ही बनेगा भाई। भाई मैं सच में इसके साथ रियली प्रैंक करता हूँ और ये सच में थप्पड़ मार देती है, पता नहीं क्यों। जैसे करनी वैसी बढ़नी, वह मेरे को परेशान करोगे तो बदले में कुछ तो बनता है। अगली बार तू प्रैंक करियो ना, दूंगा ना फिर घुमा के। ते काफी कमेंट्स आए हुए थे कि गुरु भाई कोई नुसरत एक ही मारा था आपने, इतने सारे तो कैसे मार दिए। यार हमारे साथ ऐसे होता है, हम लड़के हैं ना, हमारा साथ लड़कों का साथ लड़के भी नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते हो लड़कियां तो देंगी कहां से हमारा साथ। तो भैया थप्पड़ मारना अपने बेस्ट फ्रेंड को ये अच्छी बात थोड़ी है। प्रैंक करना भी अच्छी बात नहीं होती, किसी को रुलाना भी अच्छी बात नहीं होती। प्रैंक अच्छा, ये बात आप बोल रहे हैं? यस। आपने पता है कैसे लाया था? इसी घर के जस्ट नीचे बाहर गाड़ी में। तो भाई आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, ये तो है ही ऐसी बतकड़ा, ये बात करते रहो, खिला दो और बात करते रहो, सो कुछ नहीं। कितना प्यारा लग रहा हूँ, देखियो चढ़ते ही प्यारा लग रहा हूँ। गाइस एक बार ना कमेंट, मेरी टीम है ना, एक बार कमेंट करके बताओ। मैंने भाई कसम से नहाया भी ना हूँ आज, मैं प्यारी लग रही हूँ। कमेंट करके एक बार बता दो कौन प्यारा लग रहा है प्लीज। मेरी मेरे को पता है सारे तेरी तरफ ही बोलेंगे, यार थोड़ी सी इज्जत रख लो यार मेरे को। फिर वो कपिल शर्मा वाली बात, ये आप मेरी ऑडियंस ले रहे हो जबरदस्ती। जबरदस्ती ले रहा भाई, आई एम टॉकिंग इट रियल। हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे। तो भाई आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे कि आप सबकी कमेंट आ रही बहुत सारी, और वहां पे रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइक एक वीडियो पे 400-500 कमेंट हो जाती है, अब हर एक का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुझे काम हो जाता है। मेरी तो पहले ही आप कमजोर है, कतई अंधा हो जाऊंगा मैं तो। बोलते हो काफी कि आप रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, हो जाता है यार, हो जाता है, क्या करें। तो हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं उन कमेंट्स के लिए कि भाई ऐसा सा कुछ है, ठीक है। इसमें थोड़ा कम दिमाग है, एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ चश्मा लगा, वाह भाई वाह, क्या सेक्सी लग रहा है चश्मा। बस शुरू करें एक कमेंट, मतलब बहुत सारे वो भी आए कि आप मिले कैसे थे और लाइक हमारा फर्स्ट मीट वगैरह। इससे ज्यादा ये रखा कि हम बेस्ट फ्रेंड ही हैं। भाई सुन लो अब बात, जिन जिन लोगों के मन में ये बहम बैठ रहा है कि गाइस आप रिलेशन में हो, यू आर गाइस इन अ रिलेशनशिप, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो बेसिक इस तक पूछ लो, मेरी तब मानो ना। हाँ, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, दोस्त ही हैं। हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, लाइक हम और किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है ना, ये है ना मैं। हाँ,
पर हम भी एक दूसरे के साथ भी रिलेशन में नहीं है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही है, बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। हम रिलेशन में नहीं है, ये क्लियर कट टू बात है, ठीक है। गुस्सा भी बस इसलिए होता है ताकि हमें ये होता है कि कोई और तीसरा बंदा बीच में ना घुस जाए। ये थप्पड़ भी मैं इसलिए खाता हूँ कभी कोई तीसरा आ जाए। तुम्हें और क्या लगता है? इंसान बीच में ना घुस जाए। और भाई देखो, रिश्ते दिल तो होने चाहिए, मैटर नहीं करता हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माँ बाप बहन चाचा ताऊ, ठीक है। दिल तो निभाओ, रिश्ता रिश्ता होया करे, वो मैटर नहीं करता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हम ऐसे ही बहुत अच्छे रहे हैं। मैं इसका हमेशा खिला पिला के लाऊँ, इसको घुमा के लाता हूँ, इससे सारे काम कर, अच्छा सॉरी नहीं बता रहा भाई, नहीं बता, ठीक है। तो ये क्लियर, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, चले अच्छा सॉरी सॉरी गाइस, भाई छो में रहा मिलता सारा सारी यहाँ। हाँ तेरे लिए आया भाई, इसके लिए आया देखो, मैं बताओ भाई, फास्ट में चॉकलेट शेक नहीं पी सकते भाई, नहीं पी सकते भाई, जिस भाई ने कमेंट, ला 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 भाई का नाम तो बता दे, फास्ट में चॉकलेट शेक पी सकते हैं, हसन जमील भाई का नाम है, हसन जमील 4 इस तक कुछ कह रखी है, मेरे को बोल रखा है कि फास्ट में चॉकलेट शेक नहीं पी सकते, हम चॉकलेट नहीं खा सकते क्योंकि उसमें एग मिलते हैं चॉकलेट बनाते वक्त, लेकिन चॉकलेट शेक पी सकते हैं, इनफैक्ट मैंने उसके सारे इंस्ट्रक्शंस देखे थे तभी वो पिया था, वरना मैं भी नहीं पीती, तो चॉकलेट शेक पी सकते हैं हम, इनफैक्ट इन्होंने भी पढ़ा था, हसन जामिल भाई तेरे साथ इन्होंने पिया नहीं वो, पर इन्होंने पढ़ा था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लाइक मैंने सारे पढ़ के तभी पिया था वो, वैसे नहीं पिया था, तो हम चॉकलेट शेक पी सकते हैं भाई। इसकी इस बात पे वैसे कमेंट कर दो, डिसलाइक वाले बस करो, डिसलाइक वाले कमेंट कर दो भाई भाई। अच्छा हाँ भाई, एक ये कमेंट और आ रहा है भाई, आपकी काफी दिन में वीडियो आती है, आप रोज वीडियो डाला करो यार, तुम्हारे काफी कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि रोज ही एक ही लड़की पे प्रैंक हो रहा है, उसको पता नहीं चलता क्या क्या चाहते, कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई डेली वीडियो डाल रहे, तो यार एक बार तुम समझौता करो ना आपस में। अब डेली प्रैंक करूंगा, रुक जा, डेली प्रैंक करूंगा, डेली वीडियो बनाऊंगा, तो इसको पता नहीं चल जाएगा कि भाई डेली प्रैंक कर रहा है मेरी गर्ल, और डेली हम मिल भी नहीं पाते, डेली मिल भी नहीं पाते, चार तीन चार पांच दिन हो जाते हैं, मेरे को कुछ काम होता है, ठीक है। ये तो हमने ऐसी स्वाद स्वाद में शुरू कर दिया और स्वाद स्वाद में काम चल गया हमारा, हाँ सीरियसली हम डेली मिल भी नहीं पाते, रोज वीडियो नहीं डल पाती हमारी इस वजह से, थोड़ा सा गैप इसलिए हो जाता है, और ज्यादा गैप में करता भी नहीं, दो तीन दिन का गैप होता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार, ठीक है, पुरानी वीडियो देखता है वो शेयर करते रहा करो, जब भी हम मिलते हैं तभी कुछ ना कुछ ये डाल ही देते हैं, मेरे को तो घर जाके अगले दिन ही पता चलता है ये कि हाँ इन्होंने कुछ कांड रच दिया, मेरे को तो पता ही नहीं होता, तो ऐसा कुछ होता नहीं, हम दो तीन दिन में मिलते हैं तभी, कांड का मैंने मानस मार दिया, मेरे को रहा दिया उससे बड़ा क्या करेगा तू। लो भाई अगली कमेंट कितनी होगी, तीसरी पे आ गया ना, 1 2 3 4 पे आ गया मैं भाई, फोन कौन सा यार बता दो, क्या मॉडल है, क्या कंपनी है, फोल्डिंग फ्लोटिंग फोन भाई, फ्लोटिंग लिख रखा था ना सच में भाई, माँ का समर से ही पढ़ा था, देख ले FLODING लिख रखा है, वो फोल्डिंग लिखना था भाई, सॉरी गलती होगी तेरे, मैंने भी गलत पढ़ दिया, गाड़ी मत दियो, ये फोन है भाई, दूसरा फोन है रख रखा है इन्होंने ताकि मैं इनके कान ना में पकड़ूं ना, इसीलिए इस फोन का तो मैंने भी नहीं पता भाई कौन सा ये नोकिया, ये प्रॉपर नाम नहीं बताया हमें किसी ने, किसी एक बंदे ने ना कमेंट में बता भी रखा है इसका प्रॉपर मॉडल सब कुछ बता रखा है कि भाई, कौन सा, सच बताऊं सच बताऊं मॉडल मैंने देखा ही ना था, मैं दुकान पे गया वहां पे रखा था, मैंने नोकिया का छोटा फोन देखा, मेरे को चाहिए था नीड में था, क्योंकि नीड भी नहीं थी, बस इनका ना फालतू खर्चा करना पसंद है, बेस्ती कर रही है तुम्हारे भाई की, अब समझा दो इस तक एक बार कमेंट करके, ठीक है, इस तक कमेंट करके कह दो गलत नहीं बोल देगी भाई हमारा। मैं गलत नहीं, अच्छा इस फोन के बारे में बताता हूँ, तो भाई मैं शॉप पे गया था इस वाले फोन पे लेमिनेशन कराने दूसरे वाले पे, तो मेरे को वहां पे रखा दिख गया, तो वो बोला भैया एक बार खोल बोल के दिखा दिया उसने, कुल ये आया था भाई 5,000 रुपए का, कोई ज्यादा महंगा फोन ना है, बस इसकी लुक्स पसंद आई मेरे को, थोड़ा सा क्लासी रहना पसंद है, लाइक इस तरह से बात बात करना, तो इसलिए मैं ले आया था, वही गाइस वही फालतू के शौक, थोड़े से पैसे ज्यादा फालतू नहीं हो सकते ब्रो, ये फालतू नहीं कहते, पैसे ज्यादा ही तो ना है भाई, तुम व्यूज ही नहीं दे रहे, बढ़िया व्यूज दो मेरे, पैसे आएंगे फिर और अच्छे अच्छे फोन लेके आऊंगा, फिर अच्छे अच्छे काम करूंगा, अच्छी अच्छी गाड़ी लेके आऊंगा, तुम शेयर तो करो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ये फोन कौन सा है, मैं घर जाके पढ़ के उस मतलब अंदर जाके डब्बा उठा लूंगा, फिर उसमें देख के बता दूंगा कि कैसे क्या फोन है भाई, एग्जैक्टली नहीं पता पर देख के बता, नोकिया का है, नोकिया का है कोई, नोकिया फ्लिप फोन कर लोगे ना सर, नोकिया कीपैड फ्लिप फोन आ जाएगा गूगल पे, सारा इतिहास लिख के इसका, ठीक है, बहुत कमेंट आ रहे थे कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, हालांकि मेरे को तो पसंद भी नहीं है, अच्छा ठीक है, मेरे को ये पसंद,
मेरे फोन के बारे में उल्टा नहीं बोलते कि भाई मेरे को बहुत प्यार है। हाँ एक ही एंडिंग इनको बोलो ये नहीं करते एंडिंग इनकी। जब इनकी वीडियो बनाई ना, जब मैंने प्रैंक किया, इनके इतने गंदे फेस एक्सप्रेशन आ रखे थे, इन्होंने अपना तो डाला नहीं, मेरा तभी डाल लेते हैं ये। इनको बोलो क्यों नहीं डाला इन्होंने। गाइस बताऊं क्यों नहीं डाला, आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, जिन्होंने नहीं देखे दोबारा देख लेना जाके, जिसने इक्की प्रैंक किया था इसने मेरे पे। मैं अपने घर के अंदर घुस रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू, और भीतर मेरी माँ, अरे कोने में रखा लट। तो तुम बताओ मैं ऐसे एक्सप्रेशन कैसे डाल सकता हूँ जिसमें मेरी माँ मेरा लट लेकर पीछे पड़ रही है। अगर मैं अंदर घुस जाता, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं अंदर घुस जाता और मम्मी देख लेती कि भाई लड़का रो क्यों रहा है, गाइस मम्मी मारती भी नहीं इनको, कुछ भी नहीं कहती है। आके देखियो कभी। हाँ, मेरे को पता है। आन मिलो सदना फिर कब मिलोगे, लट पे लिखवा रखा है। कड़ पे देगी, कड़ पे छाप देती है, कुछ नहीं मतलब अब नहीं मारती भाई मेरी माँ, पर बहुत सपोर्टिव है मेरी माँ, बहुत अच्छी है। देखती है वीडियो, देख लेना। सॉरी माँ, चुप हो गए। सॉरी माँ, पता नहीं मारती मेरी माँ, बहुत प्यारी है भाई, बहुत सुंदर है, है बहुत क्यूट सी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, कभी नहीं मारा मेरी माँ ने मेरे, ऐसे बाल पकड़े तो कभी पीटा ही ना। नहीं वैसे मैं ज्यादा पीटती हूँ। लव यू माँ। मेरी मम्मी, भाई यार अपना फिल्टर यूज मत किया करो, ऐसे ही अच्छे लगता है। फिल्टर काय पे, वीडियो पे या इंस्टाग्राम की फोटो पे, वीडियो पे यूट्यूब पे फिल्टर। अरे भाई कोई फिल्टर ना है, नेचुरल है, बेशक आके देख ले। हाँ, ऐसे ही है जो भी है, पर तुम्हारे भाई का फोन इतना सेक्सी है ना, मैं डब्बा उब्बा लेके थोड़ी घूम रहा हूँ भाई। कोई ना फिर अपना दे दो 14। बहुत तगड़ा फोन, आईफोन 11 भाई। कोई कलर रीडिंग नहीं होती, कुछ भी एडिट में ऐसा मैं नहीं करता जिससे कलर हो, सिर्फ कट करता हूँ जो वीडियो स्टार्टिंग में लगती है इंट्रो के लिए, दैट्स इट, एक्सपोर्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। वो पता नहीं आपको क्यों फिल्टर लग रहा है, लेकिन नहीं लगा भाई, ना मान रहे, ना मान, माँ की कसम भाई ना लगाता, माँ कसम। बस करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ओ मैं ओवर एक्टिंग की दुकान आपकी, बता दो इनको जी, करके दिखाऊं अभी। अच्छा सॉरी, करियर करियर भाई, इसने मेरी किडनी तोड़ दी गाइस। मैं हाथ बांध लगाती गुदगुदी के लिए, नाचने पे आने लग जाता है भाई, मेरा गुदगुदी ज्यादा हो गया यार, क्यों करे यो, मैं तो नहीं करवाना चाहता, ले तेरे लिए आया। खुशी इज ऑलवेज बुकी बेचारी, मेरा भाई है जिसने भी कमेंट किया। भाई नहीं है, हां भाई है, गेमिंग नेशन। फिर बहन हो, गेमिंग नेशन बहन, फोटो। अच्छा फोटो लड़की की है भाई, फोटो लड़की है, पर नाम गेमिंग नेशन है, पता नहीं लड़का है लड़की है। हां जी तो बताइए। मेरे को सच में बहुत ज्यादा भूख लगती है, मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट चीज ही खाना है, बस मेरे को खाना ही चाहिए होता है हर चीज में, लाइक और मेरे पास ये भी कमेंट आ रखा था लाइक कि आप घर से खा के नहीं निकलते, तो सीरियसली मैं घर से कभी खा के नहीं निकलती। भाई इसको पता है मेरे को बनाना, गुरुजी का ढाबा चल रहा है, बस करो, मेरे को बनाना पड़ेगा सुबह लाइक, क्योंकि मम्मी भी ड्यूटी पे जाती है और भाई तो बनाते ही, गुरुजी का ढाबा चल रहा है, तो मेरे में हिम्मत होती नहीं कि सुबह उठ के मैं खाना बना दूं, मैं हमेशा अपने घर से बाहर भूखी ही आती हूं, इन्हीं के पास आके बोलती हूं कि मेरे को खाना 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 है, और लाइक मोस्टली मेरा ये रहता है क्योंकि मेरे को सच में बहुत भूख लगती है, बस शांत शांत भाई, तब भाई बुरा मान के सारी कमेंट से नहीं, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे को पता है मैं भूखी रहती हूं। भाई बुरा मान के तुम्हारी कमेंट से हो कि खाती रहो खाती रहो, मैं नाराज हूं, मैं कोई बात है ना, मेरे को बस खाने से मनाया जा सकता है बहुत आराम से, मैं कुछ खिला दूं, मैं मान जाती हूं, मेरे को इतना पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको धक्के खिलाता रहता हूं। खाने की बात चल रही है, बक्के ही तो खाते हैं इंसान। चला नेक्स्ट, सॉरी गाइस सोमो होगी, पता नहीं इसकी शक्ल कैसी है, ऐसे भूख रहेगी मेरी कैन दिखते पड़ेगी। एक ही आ रखा था कि आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई। अच्छा तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, 6 महीने पहले। हाँ भाई जैसे सबको हाँ, पता है मेरे 9 अगस्त चलते हैं, मेरा एक और चैनल है मेन चैनल जिसपे हम शूट वगैरह करते हैं, लाइक वो 6 साल से उस पर हम काम कर रहे हैं, तो भाई 6 महीने पहले 9 अगस्त को ये तू पढ़ गई इस बारे में, क्या याद है, याद है तेरे को दिन? हाँ भाई इसको आती पसंद जो आ गया था मैं। बस हम बस बस मजाक था, और शायद जन्माष्टमी पहले पहले हाँ शायद पहले दिन तो मैं मतलब शूट पे आई तो मैं किसी से बोली भी नहीं थी, किसी शायद शायद जन्माष्टमी थी उस दिन भाई, और लाइक तो भाई 9 अगस्त
मेरे को डे याद नहीं था। और शायद जन्माष्टमी, शायद जन्माष्टमी थी क्योंकि इसकी स्नैप आई थी मेरे पास। तो भाई ये शूट पे आई थी, इसने मेरे को देखा, नैन मटक्का गुट रुकू चलो भाई बताता हूँ। तो 9 अगस्त को ये शूट पे आई थी, मेन चैनल के शूट पे, वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वहीं पे हमारी स्नैप आईडी चेंज हुई थी और उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लाइक बहुत अच्छे, यू कांट इमेजिन इतने अच्छे। तो भाई ऐसे मिले थे और उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं अब क्यों नहीं बता रहे अपनी, बता तो दिया। हाँ। तो नेक्स्ट ये अपनी नहीं बताते कभी भी, इनका गुस्सा बड़ा गंदा है, सच में बहुत गंदा है ये। ब्लॉक कर देते हर जगह, मेरे ही याद है, मैं इरिटेट कर देती हूँ फोन कर करके, मैसेज कर करके, देखा ही नहीं किसी, और ये यूट्यूब ठीक है गाइस, इंस्टाग्राम पे, फोन पे, सब हर जगह। अब तो चलो गई, तो ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे मिले थे हम, हर जगह ब्लॉक कर देते हैं, पर फिर हो गया था सॉर्ट आउट, पता नहीं, मतलब मेरी मम्मी का बर्थडे था भाई, वो बात तुम्हें बता दूंगा ना, तुम लोगों को भाई सही करा, बस करो तो बात खत्म करो, मैं बता रही ना झगड़ा हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी का बर्थडे था तो इन्होंने विश किया था कि हैप्पी बर्थडे टू आंटी, इतना अच्छा हूं भाई मैं, तब दोबारा शुरू थी वो, अब पता नहीं गलती से, सुनो सुनो, अब सामने वाला गलती कर रहा है ना तो उसका जवाब देना चाहिए, या तो उसने 100% की दोस्ती रखो या 0 की रखो, मेरा रूल है ये 50 के मैं किसी के साथ रखता, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है इसको, किसी के साथ ये 50% की दोस्ती रखता, या तो 100 या फिर 0 अपने बस की, और मेरे कोई दोस्ती नहीं है, मैं बाद में लिस्ट बनाऊंगा इसके दोस्तों, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट अच्छा भाई, योर प्रैंक्स आर द बेस्ट बट प्लीज इम्प्रूव थंबनेल्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, भाई बेस्ट के लिए थैंक्स, और ये क्या था, थंबनेल्स के लिए बता देता हूँ भाई, कुछ ऐसा सीन है यार, मैं ना ज़्यादा काम कर ही नहीं रहा इन वीडियोस पे, बहुत ही सिंपल सोबर चीज़ें डाल रहा हूँ मैं, नहीं इतनी एडिटिंग वगैरह कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा भाई, तुम्हारी कसम, मैं ऐसे ही एडिट करी, ऊपर से उठाई, थंबनेल मिला, नाम लिखा उस पर कुछ भी और डाल दिया, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पहले के वो देखोगे मेरी वीडियोस, ब्लॉगिंग करता था, ब्लॉग डालता था, तो वो मेरा काम था, ये नहीं था, इसका मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को जितना आता है मैं उतना कर देता हूँ, बट भाई तूने कहा ध्यान देंगे, सीखेंगे आपसे और जरूर करेंगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मेरे लिए बॉयज भी लिपस्टिक लगा के लव वाइट करते हैं, अच्छा उस वाली का वीडियो पे, वो वाली पे? प्रैंक पे मैंने किया था, ये इतने कमेंट आ रखे मेरे पास कि अरे दीदी बॉयज कब से लिपस्टिक लगाने लगे, किसी ने प्रैंक नहीं किया था हमने, कि मेरे को किसी ने किस किया, लव बाइट प्रैंक किया था अच्छा वो भाई इसने लिपस्टिक से निशान बनाया था लाल कलर का, ना किसने लिपस्टिक लगाई थी, भाई लड़के ने किसकी कर दी इसकी लिपस्टिक, किसकी नहीं थी, हिकी प्रैंक था, जैसे ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है जैसे, तो इसलिए मैंने निशान किया, लव वाइट हो जाता है ना और उसका निशान था वो, तो हाँ। इसने लिपस्टिक से वो निशान बनाया था, ना कि लिपस्टिक लगाई थी, कि किसी ने किसने कर रखी थी, लव वाइट दे रखी, ठीक है क्लियर ओके। ये भी मेरे लिए है, हां लो जी यार, इसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और इसके पास कार थी, हां मेरे को गाड़ी चलानी आती है पर मेरे को बहुत आलस आता है गाड़ी चलाने में, लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है चलानी, बस वो गलती चलती से पता नहीं मैंने कैसे सीखी, भाई इसका बहुत मन करता है गाड़ी चलाने का पर मैं चलाने नहीं देता, ओ बस करो, क्योंकि मेरे को भाई विश्वास नहीं है इसकी ड्राइविंग पे 2-4 उड़ा देगी, नाम मेरा लगा देगी, तो वो उस पीछे वाली वीडियो में मैंने सिर्फ इसलिए बोला था ताकि मेरे को गाड़ी ना चलानी पड़े, मेरा नहीं आती इसको चलाए चलाए, लेकिन गाड़ी चलानी आती है बहुत अच्छे से आती है, ऐसी कोई बात, 7,000 रुपए ड्राइविंग स्कूल इन्होंने सिखाई थी, 7,000 रुपए सच बोला कर, झूठ नहीं चाहिए उस्ताद जी, नहीं ड्राइविंग स्कूल, मैं इसको टोंट मारते रहता हूँ, 7,000 रुपए देके सीखी फिर भी ढंग आती चलानी, तो मैं इसको टोंट करता रहता हूँ, 7,000 रुपए देके गाड़ी चलानी, मैंने नहीं गया साथ नहीं लिया गाड़ी सिखाने का, उन्होंने तो मार देते मेरे को भाई 7,000 रुपए देके सीखी, पैसे देके भी मेरे को टोंट कर रहे हैं, तो इसको गाड़ी चलानी आती है भाई, चलती भी है सारी बातें तो ऐसे ही हो जाती हैं, तो बिना गाड़ी के क्या करे ड्राइव, अच्छा तो भाई एक कमेंट ऐसा आया हुआ है, इन लोगों की गाड़ी कभी चलती भी है सारी बातें तो ऐसे ही हो जाती हैं, तो बिना गाड़ी के क्या करे प्रैंक, यार गाड़ी में अब या तो गाड़ी चलवा लो या फिर प्रैंक करवा लो, आई एम रियली सॉरी गाइस, गाड़ी चलाते चलाते प्रैंक करूँगा ना तो मेरा स्वर्गवास हो जाएगा, हाँ। और इसका क्या बिल्कुल, तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है अगर मैं बाहर प्रैंक करूँगा तो मेरे को लाइक पूरा सेटअप करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता, मेरे गाड़ी में इतना स्पेस है कि कहीं से कैमरा छिप जाता है, इस वीडियो के बाद इसको पता चल जाएगा कैमरा कहाँ छिपाता हूँ, बट इट्स ओके,
गाड़ी में ही प्रैंक होते हैं और गाड़ी साइड में लगा के इसलिए करता हूं सेफ्टी के पर्पस। लाइक हम दो तीन दिन में मिलते हैं, तो हम मिलते हैं तब यही होता है कि कुछ खा जाते हैं बाहर जाके, मोस्टली बाहर जाते हैं, घर वगैरह नहीं जाते, सेफ्टी के पर्पस। तो चलते चलते हम झगड़ा नहीं कर सकते, तो कहीं ठोक ना दें, मेरे को भी डर लगता है शायद इनके लिए कुछ कमेंट आए, तो इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं है, मैं साइड में सेफ्टी के पर्पस। अरे भाई BSNL तुम झूठ मानोगे, मेरे पास 7th क्लास से सिम है BSNL का नंबर, मेरी मम्मी ने ला के दिया था, मेरी मम्मी जॉब करते हैं BSNL में, तो मेरी मम्मी ने ला के दिया था, इसलिए ये उसी के लिए निकले कर दिया, ये कंटेंट के लिए कि लास्ट में पूरा एंडिंग पार्ट दिखाया करो, वो हमने बता दिया था। और देखो एक आप कितने लड़के पूछ रहे हैं, ये तिलक मस्त लगता है तुम्हारे भाई का तिलक, लड़के ऐसे वो देखते हैं ना, छोरा तो ऐसा ही चाहिए, गाली निकल गई थी, सटक गया मैं चुप के साथ, तिलक का यार मैं गाड़ी से उतरने नहीं देती इनको। बहुत सिंपल है भाई तिलक, ऐसे 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 करके, ये अगर हुआ इनसे हुआ वो चीज, क्योंकि बहुत आलस करते हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। चलो भाई तुम्हारे लिए एक मेरे YouTube चैनल पे एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा तिलक लगाने का, भाई कमेंट आवे इसलिए बस, ठीक है भाई। तो ये पूछ रहे हैं कि कहां से हो आप, हम दोनों ही सोनी, हां तो भाई हम दोनों सोनीपत हरियाणा से है, HR10, ठीक है। और भाई मतलब ऐसी मजे मजे में वीडियो शुरू कर दी थी, कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं था हमारा, ठीक है। और बहुत अच्छी लग रही है आपको वीडियो, आप बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहे हो, ऐसे ही कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। और हम पर्सनली जवाब नहीं दे पाते हैं, सीरियसली टाइम नहीं होता, तो हम एक काम करते हैं, हर 7-8 वीडियो के बाद हम एक ऐसी वीडियो बना दिया करेंगे। और एक इतना सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या हमने एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रखा है इंस्टाग्राम में। भाई जिद मैंने इसको करा था, इसने मैंने फॉलो क्यों करा, मैं तो ना करो फॉलो भाई, इसने मैंने फॉलो करा क्यों, कुछ बात थी ऐसी, लड़ाई हो गई थी कुछ ऐसा, फिर उसके बाद इसने फॉलो कर लिया, मैंने फॉलो नहीं करा, भाई मैं क्यों करूँ यार, बार बार मैं क्यों करूँ, हमारा झगड़ा हो गया था, उसके बाद मैंने सभी को अनफॉलो कर दिया था, जितने भी मेरी फॉलोइंग थे, जितने भी लोग थे, 10-12-15 जने, अब 20 की फॉलोइंग जीरो है, पर वो मेरे को मजबूरी में करनी पड़ी, उन्होंने मेरे को फॉलो बैक नहीं दिया, मैं क्यों करूं फिर। भाई मैं ना करूं जिंदगी में इसने फॉलो कभी, मैं नहीं करने का, वो ही नहीं मेरा पीछा छोड़ती, वो ही फॉलो ही रहे पीछे, फॉलो ही चलते रहे इसकी, इसलिए नहीं कर रखा बस। जिद में ये बहुत जिद्दी है, बहुत से क्वेश्चन हो गए भाई तुम्हारे, जो क्लियर हो चुके हैं, मतलब मेन से छाटे मैंने, हाँ। करा करो और बूंदे भी कर दिया करो, बूंदे बोले गंदे, ठीक है, कमेंट्स पढ़ते सारे हैं, बस जवाब नहीं दे पाते, टाइम नहीं होता, सारे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगली बार ना रिटर्न में लेकर आऊंगा सारे कमेंट लिख के, फिर जवाब दूंगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो ना ये वाली, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपना प्यार देते रहें आप, हमें बहुत जरूरत है आपके प्यार की, ठीक है। तो प्यार बनाए रखो, ऐसी नए नए प्रैंक्स लाता रहूंगा इसके साथ, पर अब इसके साथ प्रैंक नहीं कर पाऊंगा, पर करूंगा, कोई नहीं 5-7 दिन गैप, मेरा भी टाइम आएगा, आई मीन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, एक का तो तेरी घड़ी तोड़ दूंगा, टाइम कैसे आएगा तेरा, नई भी दिलवानी पड़ेगी फिर। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्यार बनाए रखो, लव यू।